हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट एवरीडे विद मी। आज हम आप सभी को दशहरे के बारे में और रावण कौन था के बारे में बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। दशहरा हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार माना जाता है। दशहरा अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन श्री राम भगवान जी ने रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। आप जानते हैं रावण कौन था। इस कथा की शुरुआत जय और विजय से होती है। जय और विजय दोनों भगवान विष्णु के द्वारपाल थे। एक बार देवताओं के पूर्वज और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र चारों सनकादिक ऋषि सनक, सनातन, सनंदन और सनत कुमार संपूर्ण लोकों से दूर होकर मन की शांति के लिए वैकुंठ धाम भगवान विष्णु के दर्शन के लिए गए। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल और वैकुंठ धाम पर पहरा दिया करते थे। जय और विजय ने उन चारों सनकादिक ऋषियों को दरवाजे पर ही रोक लिया और वैकुंठ धाम के भीतर जाने से मना कर दिया। जय और विजय के मना करने पर चारों सनकादिक ऋषियों ने कहा, अरे मूर्खो, हम तो भगवान विष्णु के परम भक्त हैं, हमारी गति कहीं भी नहीं रुक सकती, तुम हमें भीतर जाने से क्यों रोक रहे हो? हम लोग देवाधिदेव भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहते हैं। तुम लोग तो भगवान की सेवा में रहते हो, तुम्हें भी उन्हीं की समान समदर्शी होना चाहिए। भगवान का स्वभाव शांतिमय है, तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही होना चाहिए। हमें भगवान विष्णु के दर्शन के लिए जाने दो। चारों सनकादिक ऋषियों के इतना कहने के बाद भी जय और विजय ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया। जय और विजय के बार बार रोकने पर चारों सनकादिक ऋषियों को क्रोध आ गया और कहा, भगवान विष्णु के समीप रहने के बाद भी तुम्हारे भीतर अहंकार आ गया है और अहंकारी व्यक्ति के लिए वैकुंठ लोक में कोई स्थान नहीं है, इसलिए हम तुम्हें शाप देते हैं कि तुम लोग पाप योनि अर्थात पृथ्वी पर जाओ और अपने पापों का फल भुगतो। उनके इस तरह शाप देने से जय और विजय डर गए और चारों सनकादिक ऋषियों के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। जब भगवान विष्णु को पता चला कि सनकादिक ऋषि मिलने आए हैं, तो वह स्वयं और लक्ष्मी माता को लेकर समस्त सदस्यों के साथ उनके स्वागत के लिए पहुंचे। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनीश्वरों, ये जय और विजय दोनों मेरे द्वारपाल हैं। इन दोनों ने अहंकार बुद्धि को धारण कर आपका अपमान किया है। आप लोग मेरे प्रिय भक्त हैं, इन्होंने आपका अनादर कर मेरा अनादर किया है। इनको शाप देकर आपने उत्तम कार्य किया है। इन्होंने तपस्वियों का अपमान किया है, उसे मैं अपना अपमान समझता हूँ। मैं इनकी ओर से माफी चाहता हूँ। सेवकों का अपराध होने पर भी संसार स्वामी का ही अपराध मानता है, अतः मैं आप लोगों से आपकी प्रसन्नता की भिक्षा चाहता हूँ। भगवान के इन प्यार भरे शब्दों से चारों सनकादिक ऋषियों का क्रोध उसी समय शांत हो गया और बोले, आप धर्म की मर्यादा रखने के लिए ही अपने इतना आदर देते हैं। हे नाथ, इन निरपराध निर्दोष द्वारपालों को क्रोध के वश में आकर हमने शाप दे दिया है, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। आप सही समझे तो आप इन्हें माफ कर हमारे शाप से मुक्त कर सकते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे मुनिगण, मैं सर्वशक्तिमान होने के बाद भी ब्राह्मणों के वचन को असत्य नहीं करना चाहता, इससे धर्म का उल्लंघन होता है। आपने जो शाप दिया है वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है, यह इस सजा के योग्य है। यह 3 जन्म दैत्य योनि में जन्म लेंगे और इनका संहार मेरे ही द्वारा होगा। ये मुझसे शत्रु भाव रखते हुए भी मेरे ही ध्यान में लीन रहेंगे और मेरे द्वारा इनका संहार होने के बाद यह वापस इस वैकुंठ धाम में आ जाएंगे। तब जय और विजय प्रथम जन्म में दिति और महर्षि कश्यप के पुत्र हिणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में हुए तथा भगवान विष्णु के वराह और नरसिंह रूपी अवतार ने इनका संहार किया। दूसरे जन्म में महर्षि विश्रवा और कैकसी के पुत्र रावण और कुंभकर्ण के रूप में हुए और भगवान विष्णु के राम रूपी अवतार ने इन दोनों का संहार। तीसरे और अंतिम जन्म में सूत सुबा और दमघोष के पुत्र शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में हुए, जिसे भगवान विष्णु के कृष्ण रूपी अवतार ने उनका संहार किया। इस तरह जय और विजय के तीनों जन्म पूरे हुए और वह वापस वैकुंठ धाम पहुंच गए। श्री राम भगवान विष्णु के 7वें अवतार हैं। उन्होंने
त्रेता युग में रावण वध करने के लिए श्री राम अवतार लिया था। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। अगर हमें अपने जीवन को बदलना हो तो हमें राम जी के आचरणों को अपनाना होगा। प्रभु राम के आदर्शों को अपनाकर हम अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी विजयदशमी के दिन या जब भी यह वीडियो देखें तो अपनी लाइफ में बुरी आदतों को छोड़ने के बारे में और अच्छी आदतों को अपनाने के बारे में जरूर सोचें। मतलब कि हर इंसान के अंदर एक रावण और एक श्री राम जरूर होते हैं। तो हमें अपने अंदर के रावण का नाश करके अपने अंदर राम जी के आदर्शों को स्थापित करना चाहिए। धन्यवाद।